वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सुजीत मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि रोज के सेशन की तरह आज भी मैं कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप लोग उसी शिद्दत से, उसी मन से इन्वॉल्व होंगे इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो आज आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन फ्लैश करेगा अगर आप इसे पढ़ें तो लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं इस पूरे वाक्यांश के लिए, इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक वर्ड क्या होगा। ऐसा हम लोग हिंदी लैंग्वेज में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करेंगे। कह रहा है कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब होता है अवसाद, ठीक, और ग्लूम का मतलब होता है निराशा, हताशा, ठीक। यानी निराशा और अवसाद को के मूड को बनाने वाली जो स्थिति होती है, कारक होती है, कौन किसके वजह से जो ये दशा आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिसमल। क्या बोलते हैं? डिसमल। तो डिसमल इज अ कंडीशन इन विच, डिसमल इज अ कंडीशन विच कॉजेज अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसमल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो डिवास्टेटेड का मतलब होता है पूरी तरह से विनिष्ट, नाश, ठीक है ना, सब खराब कंडीशन, उसको डिवास्टेटेड बोलते हैं। डिस्ट्रॉयड आप कह सकते हैं, तहस नहस। एप्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत ही चिंतनीय या बहुत ही वरीड, उसके लिए हम एप्रिहेंसिव वर्ड यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम इसको शशंकित के भी अर्थ में इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये जो idiom दिया हुआ है इन अ फिक्स, इसका क्या मतलब होता है। तो इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में। ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे दशा को हम बोलते हैं इन अ फिक्स, ठीक है ना। तो इन अ फिक्स का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आगे एक ही सेंटेंस को चार सेगमेंट्स में तोड़ा है और पूछता है कि किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। जिस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है वही पार्ट आपका आंसर है। तो पहले इसको हम पढ़ते हैं। मेनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रेन इन इंडिया नोन। अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखा जाए बेटा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बना रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में प्रश्नवाचक वाक्य है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे डू लगा हुआ है यानी आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है नोन जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है यहाँ पे, जो कि गलत है। और ये वाला हिस्सा अब यहाँ होना चाहिए था एक के एन ओ डब्ल्यू, नो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है नोन और ये पार्ट लिखा है ए में। तो आप की गलती कहाँ है? पार्ट ए में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ये जो वर्ड मीनिंग है एंटोनिम, एली का एंटोनिम बताना है आपको विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाला, ठीक है ना, जो दिए गए वाक्य का क्या हो, उल्टा हो। तो एली का मतलब क्या होता है? एली का मतलब होता है, अभी देखो इसका एनिमी जो होगा ये एंटोनिम नहीं सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एली का मतलब होता है दुश्मन, एली का मतलब होता है शत्रु, एली का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आपके अगेंस्ट हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या? फ्रेंड। तो एली का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रेंड।
क्योंकि एली का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन वर्ड। ये जो दिया गया वर्ड है ना, इसका करेक्ट मीनिंग बताना है, यानी आपसे ये सिनोनिम पूछ रहा है। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब क्या है? ओपन एंडेड का मतलब होता है ऐसा अंत जो पहले से प्लान्ड नहीं है। जैसे आप कोई काम शुरू करिए और वो काम आपने शुरू कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि वो खत्म कब करना है, कब होगा। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं वो ओपन एंडेड वर्क होते हैं, हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग। जिसकी कोई, अगर आपने कोई काम शुरू किया और वो पता है कि मुझे हफ्ते भर बाद ख़त्म कर देना है, तब तो ये क्लोज एंडिंग हुआ। इसी का उल्टा है क्लोज एंडिंग। तो ओपन एंडेड का मतलब होता हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग। इसकी कोई प्लानिंग आपको नहीं रहती है कि कब ये ख़त्म होगा। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। क्रस्ट का, क्रस्ट का वास्तविक मीनिंग होता है लेयर, परत, क्रस्ट। जैसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी का परत, तो यहां पे क्रस्ट का अर्थ है परत या लेयर। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, शेल। शेल का मतलब भी होता है क्या, परत, या आप ये परपटी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, इसका ये जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका है। कोर केंद्र होता है, रूट आप जानते ही हैं जड़ को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सिनोनिम, वो होगा शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे कहता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा पूरे सेंटेंस को कायदे से पढ़ेंगे और उसमें सेंटेंस के मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। फिलर्स जो होता है वो वास्तव में आपके अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है, ठीक है। आगे, जाइन, पांडास, बड़े बड़े पांडास। पांडास एक भालू के प्रजाति का एक जीव है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। जाइंट पांडास आर ब्लैक एंड वाइट, इनका रंग होता है ब्लैक एंड वाइट। चाइनीज बेयर्स दैट आर ऑन द डैश ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलोपन, जो गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अभी देखा जाए तो अगर हम कहें विलुप्त होने के लाइन में है तो ये भी उचित नहीं है, विलुप्त होने के मार्जिन में है तो ये भी उचित शब्द नहीं है, लेकिन विलुप्त होने की चोटी पर है ये भी सही शब्द नहीं लग रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है ना। विलुप्त होने के कगार पे है, वर्ज पे है, दहलीज पे है। तो यहां पे चाइनीज बियर जो है दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब डिसअपियरेंस, ठीक है ना, तो खत्म होने के कगार पे हैं। तो यहां पे वर्ज सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है कि कौन सा शब्द की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो देखा जाए तो बैच की स्पेलिंग तो सही है, कैच की स्पेलिंग भी सही है, स्नैच की स्पेलिंग भी सही है। गलत स्पेलिंग है इसकी। अगर ये गलत है तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? इसकी सही स्पेलिंग होगी YA, ये TH है ना, तो आप इसको CTH कर देंगे। इसकी स्पेलिंग होती है YA, देखो TCA उल्टा कर दिया है, आप इसको CTH कर देंगे, याच, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी गलत है, उसका करेक्ट स्पेलिंग ये है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू, फिर से एक बार सेंटेंस दे दिया है, कह रहा है कि किस पार्ट में गलत है।
तो गलती इस बार आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे वर दिया हुआ है, यही गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए? अब ये वर किस पार्ट में लिखा हुआ है? तो वर लिखा हुआ है पार्ट नंबर बी में, तो आपका आंसर होगा पार्ट नंबर बी। अब जरा देख लेते हैं कि इसमें गलती क्या है। देखिए, हु के बाद इसने लगा दिया है वर, और हु के पहले हु का जो, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है बॉय, ठीक है ना। और रूल कहता है कि हु के बाद या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होगा। लेकिन कब? जब ये रिलेटिव प्रोनाउन एज अ नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ हो। तो जाहिर सी बात है नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है क्योंकि यही फंक्शन कर रहा है, इसी के लिए वर्ब आ रहा है। तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना। तो गलती है पार्ट बी में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि ही वॉज फाइन, फाइन मतलब उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। किस लिए जुर्माना लगाया गया? आगे लिखा है ट्रैफिक रूल्स, तो थोड़ा सा आप अपने से समझे ट्रैफिक रूल को क्या करने पर जुर्माना लगता है, तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि ट्रैफिक रूल को मना करते हैं क्या हम? जी नहीं, जुर्माना मना करने पे तो नहीं लगता है। अगर आप इसका पालन करते हैं, ओबे करते हैं इन नियमों को, तो भी आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा। ओमिट, ओमिट करने का मतलब होता है हटाते हैं, तो आप कौन होते हैं नियम को हटाने वाले? आप सरकार तो हैं नहीं। तोड़ना, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए उसे फाइन किया गया, हाँ ये ज़्यादा सुटेबल वर्ड है। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड है वायोलेटिंग, करेक्ट ऑप्शन इज वायोलेट। वायोलेट मतलब होता है एक नियम या कानून को न मानना या उसे भंग करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही वॉज फाइन फॉर वायोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। आगे, हेल्थ कैन नॉट बी एट एनी कॉस्ट, कह रहा है कि ब्लैंक को फिल करिए, हेल्थ को, स्वास्थ्य को किसी, एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पे, यानी किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में क्या नहीं कर सकते आप? रिजेक्ट नहीं कर सकते, माने खारिज नहीं कर सकते। तो हेल्थ को खारिज तो नहीं किया जाता है, एप्लीकेशन थोड़ी है कि आप इसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। नेग्लेक्टेड मतलब अनदेखा नहीं कर सकते, हाँ ये ज्यादा उपयुक्त शब्द है। तो हेल्थ कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट एनी कॉस्ट, हेल्थ को किसी भी कीमत पर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जी याद रखिएगा, जीवन में प्रायोरिटी आप हमेशा हेल्थ को देंगे। हेल्थ से तो वेल्थ आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वेल्थ से हेल्थ भी आए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको वाक्यांश के लिए। एक साइंस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है ना, हेरिडिटी का, वंशानुगत का जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं? उस विधा को कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? वंशानुगत के विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, एक विशेष लक्षण ट्रांसफ़र होता है, उस विज्ञान को जेनेटिक्स कहते हैं। पैथोलॉजी जो होता है ये आपका जो रोगों के स्टडी के बारे में है कि कौन सा रोग है, आप जाते हो कोई बीमारी रहती है तो यही चेक करके आपको बताता है, स्टडी करके बताता है कि किस बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है विकलांगता की जो स्टडी होती है, विकलांगता का जो विज्ञान है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किस कारण भर कौन से, देखो ऑर्थो वर्ड आया है तो विकलांग, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये ऑर्थोपेडिक्स है, ठीक है ना। जेनियोलॉजी का मतलब होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जेनियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे मतलब जो जीन होते हैं, वंश होते हैं, किसी पर्टिकुलर वंश का अध्ययन किया जाता है जीनोलॉजी में। तो यहाँ पे दे दिया है हेरिडिटी, वंशानुक्रम का विज्ञान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जेनेटिक्स। आगे, अ होल और टनल डग बाय अ स्मॉल एनिमल टू लिव इन,
आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये नेवला होता है, ये या चूहे होते हैं, या और छोटे छोटे जीव होते हैं, खरगोश होते हैं, ये क्या करते हैं, जमीन में क्या करते हैं, होल बना लेते हैं या सुरंग बना लेते हैं, डग बाय स्मॉल एनिमल, उसमें रहने के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बरो। क्या बोलते हैं, बरो, ठीक है ना। डेन क्या होता है, ये शेर के रहने का जो छोटा सा गुफा होता है जिसे मांद कहते हैं, वो उसको हम बोलते हैं डेन। लेकिन जो छोटे छोटे जीव बनाते हैं होल करके, वो है बरो, ठीक है ना। केव गुफा है, शेड को हम लोग छप्पर भी बोल सकते हैं, कुटिया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस पार्ट, ये जो लिखा हुआ शब्द है, इसकी जगह हम कौन सा वर्ड फिट कर सकते हैं। जरा देखिए, एज वी ऑल आर अवेयर, जैसा कि हम सबको पता है कि सिल्क, सिल्क मतलब रेशम, ठीक है ना। सिल्क इज डेडिकेटेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म्स। जो रेशम के कीड़े होते हैं, और वो कहाँ रहते हैं, शहतूत के पेड़ों पे, हाँ, उस कीड़ों के ककून से क्या होता है, सिल्क निकाला, रेशम निकाला जाता है। तो निकाला जाता है यहाँ पे उपयुक्त शब्द है, सुटेबल वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कहें कि सिल्क समर्पित किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सिल्क समर्पित कहाँ किसको करेंगे भाई। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब होता है किसी चीज़ से निकाल लेना। तो रेशम के कीड़ों से ही, के कुकून से हम क्या करते हैं, रेशम को डिराइव करते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डिराइव्ड यहाँ पे। आगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, एक बार फिर से चार सेंटेंसेस आपको दे दिए गए और पूछ रहा है कि इसमें गलती कहाँ है। देखिए, व्हाई डू दे कीप टॉकिंग ऑन अबाउट, देखिए एक साथ दो प्रेपोजिशन दिया है, ठीक है ना। गलती को सुधारना है तो यहाँ होना चाहिए ऑन, ऑन ए इसके पहले आना चाहिए इस जगह पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ऑन आएगा तो आप ये देखेंगे कि यहां पे ऑन आएगा अगर, ठीक, तो ये सही हो जाएगा। होना चाहिए था नियमानुसार ऐसे, इस तरह से कीप ऑन टॉकिंग, ये तरीका सही था। अब ये गलती इस पार्ट में है, तो जिस पार्ट में ये है वही पार्ट आंसर है, तो ये पार्ट है पार्ट नंबर ए में, पार्ट नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कीप ऑन, कीप ऑन के बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ली जाती है। कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन डांसिंग, मतलब कोई काम कंटिन्यू करते रहना। एक बार फिर से आपके सामने क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। अब इसको भरने के लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, पहले ऑप्शन देख लिया जाए क्या क्या है। यहाँ ऑफन दिया हुआ है, शुड दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, नेवर दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। जोसेफ किसी व्यक्ति का नाम है, वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, हमेशा वो तैयार रहता है, था हिज मोटो, उसका उद्देश्य था, नेवर थ्रो एनीथिंग आउट, कोई भी चीज़ बाहर नहीं फेंकना है, ठीक है ना। उसका एक सिद्धांत था, मोटो था, उद्देश्य था, प्लान था। यू डैश नो वेन इट माइट कम इन, अब यहां पे यू ऑफन नो, ऑफन वर्ड सही है, यू ऑफन नो, लेकिन यहां माइट कम लिखा हुआ है, तो यानी किसी चीज की संभावना को व्यक्त कर रहा है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि नेवर थ्रो एनीथिंग आउट, तो यहां भी ऑप्शन सही होगा नेवर। यू नेवर नो, आप कभी नहीं जानते हैं, वेन इट माइट कम इन, आप कब वो चीज आपके काम में आ जाए, कोई भी चीज, ये आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये खाली स्थान नंबर एक में भरने के लिए हमने वर्ड सेलेक्ट किया नेवर।
अब खाली स्थान टू में भरने के लिए हमारे पास जो वर्ड है क्या क्या है, हैंडी है, रेडी है, क्लोज है, नियर बाई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेबर वर्ड यूज कर लिया था, ठीक है ना। तो सेट करते हैं, नेवर थ्रो एनीथिंग आउट, यू नेवर नो व्हेन इट माइट कम इन। अब कम इन, तो कम इन कहाँ आएगा, कम इन आएगा हैंडी। हैंडी का मतलब होता है आपके काम में। कब वो आपके काम में आएगा आप नहीं जान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हैंडी होगा। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन हैंडी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक नंबर थ्री में भरने के लिए आगे वर्ड है क्लटर्ड, डिसलोकेटेड, कंफ्यूज, स्प्लैश्ड। कह रहा है कि उसका जो बेडरूम था वॉज पूरी तरह से, अब कौन सा आएगा, विद द फ्लैट बाइसिकल टायर, एक बाइसिकल का टायर था जो वहीं पे पड़ा हुआ था, एम्प्टी बॉक्सेस, खाली पड़े हुए बॉक्सेस थे, बास्केटबॉल, और क्या था। तो यहाँ पे पहले ये हिज बेडरूम वॉज टोटली क्लटर्ड। क्लटर्ड का मतलब होता है बेतरतीब ढंग से फैला हुआ या यूं ही इधर उधर भरा हुआ, कोई चीज़ अनप्लान्ड वे में, जैसे आप कमरे में रहते हैं इधर उधर फेंक के रखिए, तो वैसे ही था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्लटर्ड, ठीक है ना। आप देखिए, तो वॉज टोटली क्लटर्ड विथ फ्लैट बाइसिकल टायर, पंचर था टायर, इसीलिए फ्लैट वर्ड यूज हुआ, एम्प्टी बॉक्सेस एंड बास्केटबॉल्स। कैसा बास्केटबॉल, डिफ्लेटेड, यानी ऑप्शन ए। डिफ्लेटेड का मतलब है जिसमें से हवा निकाल दिया गया हो, बास्केटबॉल जानते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं, तो वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड बास्केटबॉल्स एंड बेंट टेनिस रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवें नंबर में फिल करने के लिए वर्ड आएगा टेनिस रैकेट्स डैश लीविंग एनी स्पेस टू गेट इन द डोर। तो यहाँ पे मियरली है, सिंपली है, बेयरली है, स्लाइटली है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा वर्ड आएगा वो आएगा बेयरली, क्योंकि नेगेटिव वर्ड चाहिए हमें यहाँ पे। बेयरली का मतलब होता है बेयरली लीविंग एनी स्पेस टू गेट इन द डोर, मतलब अगर आप दरवाज़ा खोल के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे तो शायद ही न के बराबर वहाँ जगह बची थी। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो पहले वाले में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, हमारे नेवर यूज़ किया था, और दूसरे वाले में हम लोगों ने हैंडी यूज़ किया था, ठीक है। तीसरे वाले में हम लोगों ने यूज किया था क्लटर्ड। चौथे वाले में हम लोगों ने यूज किया था डिफ्लेटेड, और पांचवे वाले में बेयरली, ठीक है ना। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चंस, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। लेकिन इसी तरह से प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी हमेशा, और मैं अगले सेशन में फिर हाजिर होऊंगा आपके पास इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।